हर एक मैंने शेड प्ले कर लिया है अभी तक Project होता है वो आ, किसी एक किरदार दो किरदार से नहीं चलता है कोई भी शो हो किसी भी तरह की स्टोरी हो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स जब तक नहीं आते ना मज़ा नहीं आता आई कैंट डिस्क्राइब हर इन वन वर्ड शी इज टू मच शी इज एवरीवेयर शी वाज हैप्पी लकी गो देन वाज हार्ट ब्रोकन देन शी वाज नेगेटिव एंड सेल्फ सेल्फिश उसके बाद अभी वो माँ बन गई है मम्मी बनने के बाद तो मतलब शी इज़ शीड इज़ एवरीथिंग फॉर फॉर हर किड एंड फैमिली सो so, एक उसकी वो साइड भी देखने को मिली है कि एक बच्चे को अच्छा करने के लिए बच्चे के लिए कितना कुछ कर सकती है तो पाखी इज यूज और मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली करने में क्योंकि हर एक हर एक मैंने शेड प्ले कर लिया है अभी तक क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि ये कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है वो आ, किसी एक किरदार दो किरदार से नहीं चलता है बहुत पूरे टीम टीम एफर्ट होता है तो मेरे ख्याल से मेरे टीम में खाली एक्टर्स ही नहीं किरदार ही नहीं आ, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिन, जो कई बार ऐसा होता है कि श्रोतागण जो है उनको पता नहीं होता है कि कितने लोग होते हैं उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं कैमरा मैन होते हैं लाइटमैन हमारी स्पॉट टीम हमारी लाइटिंग uh, टीम सेटिंग टीम ये सब मिलकर एक शो बनाते हैं तो आई थिंक और कम से कम डेढ़ से दो लोग इन्वॉल्व होते हैं हर रोज इतने सीन्स जो हम बनाते हैं इतनी सीन्स जो हम शूट करते हैं उसको पिक्चराइज करने में तो आई थिंक इन सबका हाथ जा, हाथ जाता है सबका श्रेय है सबको श्रेय जाता है इस सक्सेस का अच्छा लगता है किसी भी तरह तो का कि कितनी मेहनत करते हैं Seriously? मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी मन होता है कि मैं यही हमारी खासियत है कोई भी शो हो किसी भी तरह की स्टोरी हो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स जब तक नहीं आते ना मज़ा नहीं आता तो आई थिंक उसके लिए आपको देखना पड़ेगा गुमे के, प्यार, किसी के में, प्यार में आप हिंट नहीं मांग सकते दे दे दे। सच no! में कोई हिंट नहीं है कोई देने लायक कोई हिंट ही नहीं है क्योंकि मजा किरकिरा कर देगा शो का तो आई थिंक ऑडियंस जिस तरह से भी एंजॉय कर रही है उसी में अच्छा भलाई है